मजहर अली। मजहर अली, क्या कहेंगे अब की बार, क्या माहौल है यहाँ? बढ़िया है, हाथी बटन दबाएंगे और क्या कहना है। हाँ, लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम भैया हैं। अरे कैसे भैया हैं, हाथी है, मायावती है कि? अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि भैया हम ही भैया हैं और हम ही सबका कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, पूरा मुस्लिम समाज नहीं कह रहा है? हम लोग हाथी पर बटन दबाएंगे और मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब क्या कह रहा है प्रयागराज? अब प्रयागराज बता रहा है कि मायावती जीत रही है हर जगह सीट से। बिल्कुल है, हर जगह से जीत रही है। पाँच रुपये के राशन दही के 100 रुपये का झोला छपवा दी। मोदी जी की रैली में जो गए थे लोग, और उधर लोग 1000 रुपये के बोले थे, यह सब फ्री में आए हैं। मायावती बचाने वाले बिना पैसे वाले सब है, गरीब आदमी आए मायावती के साथ। भैया योगी सरकार में हिंदू मुसलमान की राइट होती है, कुछ नहीं होता। मायावती गवर्नमेंट ना हिंदू ना मुसलमान, सब बराबर है। बच्चे क्या कहते हैं, एकदम मानसिक रूप से एकदम पीड़ित हो गए हैं, रोड पे टहल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, डंडी खेल रहे हैं, उसी में परेशान है। और उनको 1-2 वर्ष से एक छोटे अक्षर रुपए की नहीं शिक्षा मिली। एक नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हूं और ये मैदान जो है यहां पर बीएसपी की रैली होने वाली है। मेरे पीछे जो पूरा हुजूम आप देख रहे हैं, ये अभी बीएसपी प्रमुख मायावती को सुनने यहां पहुंचा है और लगातार लोगों का तांता बदस्तूर जारी है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मजहर अली। मजहर अली, मजहर अली, क्या कहेंगे अब की बार, क्या माहौल है यहाँ? बढ़िया है, हाथी बटन दबाएंगे और क्या कहना है। हाँ, लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम भैया हैं। अरे कैसे भैया हैं, हाथी है, मायावती है कि? अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि भैया हम ही भैया हैं और हम ही सबका कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, पूरा मुस्लिम समाज नहीं कह रहा है? हम लोग हाथी पर बटन दबाएंगे और मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री देखना। मायावती की क्यों सरकार चाहिए आपको? अरे उनकी सरकार बढ़िया है और क्या है। अरे सब अखिलेश यादव की क्या दिक्कत है, बाबा जी की क्या दिक्कत है? अब हमें इधर करिए बोल रहे हैं ना। आज से नहीं है, जब से कुमारी बहन मायावती ने आई है तब से हम लोग जुटी हैं, इसलिए मैं उन्हीं के वोट देंगे। और जहाँ तक हो क्यों दुखी हो, महिलाओं का तो सम्मान सबसे ज्यादा योगी जी ने दिया है। मेरा सम्मान दिए है, मुझे सम्मान दी है योगी जी ने, सम्मान दिया है भाई वो भी दिए है सम्मान, मेरी बहन भी दी है मुझे सम्मान। तो जिसके पार्टी में मैं है, मैं उन्हीं के देंगे वोट। अच्छा, बहन जी को क्यों? अब हम नहीं बोल पाएंगे। आप अब की बार किसकी सरकार? मायावती की। क्यों? 2007 मायावती गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार नहीं रहता था, न गुंडा राज रहता था, बहन बेटियां खुश रहती थी, सड़कों पर चलती थी। आज हमारे योगी जी सिर्फ घंटा बजाने वाला काम करवाए हम लोग साथ। अच्छा, हाँ तो घंटा बजाओ और खुश रहो। हाँ, खुश रहो, सुरक्षा तो मिल रही है आपको, क्या सुरक्षा मिल रहा है? आप खुद ही जानने का सिर्फ सोचा, कोरोना वायरस में कितना लोग, कितने बेरोजगारी आ गया है, कह रहे कितने बदमाश ठोक दिए उन्होंने। अरे बदमाशे बचिए, सब बदमाशे मार रहे, अच्छी बात है ना। हमारी बहन जी इससे अच्छी थी, बेरोजगार इसमें था, बेरोजगारी नहीं थी इसमें। ये बताइए, 4 लाख रोजगार दे रहे बाबा जी, कहाँ तमाम होर्डिंग लग रहे हैं, कहाँ रोजगार है? यहाँ पे मंदिर बन रहा, कुछ नहीं हो रहा है। मंदिर बनने से रोजगार मिलता है? नहीं नहीं नहीं। इस जमाने में, इस संसार में सिर्फ स्कूल बने, कॉलेज बने, मेडिकल बने, अस्पताल बने, इस सभी देश का विकास होगा। बाबा जी कह रहे हैं जो काबिल होगा उसको अपना रोजगार मिल जाएगा। बाबा जी सिर्फ मंदिर वालों को तनख्वाह बढ़ा दिए हैं, बस यही काम करे, और पूजा करने वालों को घंटा दे रहे हैं बस लाने का तीर। तो घंटा में क्या दिक्कत है, बजाए जाओ। अरे बजाए, अच्छा बताइए, देश शिक्षा चलती है, देश शिक्षा चलता है, घंटा बजाने से नहीं चलता है।
2014 से तो यही हो रहा है भैया। योगी सरकार में हिंदू मुसलमान की राइट होती है, कुछ नहीं होता। मायावती गवर्नमेंट ना हिंदू ना मुसलमान, सब बराबर है। जी जी ऐसा है बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा और क्या, तो क्या लगता है कि बाबा जी जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम भी एमबीए करके प्राइवेट जॉब 10,000 की कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। तो आप काबिल नहीं हो, वो तो कह रहे काबिल हो। कहाँ कैसे किस तरीके से काबिल लेना चाहते हैं? एग्जाम करवा दे, काबिल करके देख ले, एग्जाम करवा के देख ले, अगर पास हो जाएंगे तो मुझे नौकरी दे। और एक मिनट रुक जाइए, 2 वर्ष से इस सरकार ने हमारे विद्यार्थियों को मानसिक रूप से विकलांग कर दिया है। इस सरकार ने हमारे बच्चे के कहते हैं एकदम मानसिक रूप से एकदम पीड़ित हो गए हैं, रोड पे टहल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, डंडी खेल रहे हैं, उसी में परेशान हैं। और उनको 1-2 वर्ष से एक छोटे अक्षर रुपए की नहीं शिक्षा मिली, एक छोटा ज्ञात अक्षर। थोड़ी गर्मी आ गई उनको, इतनी गर्मी आ गई है कि घंटा ही बजाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाए। और 10 तारीख को निकल जाएंगे, गारंटी है निकल जाएंगे, गारंटी है निकल जाएंगे। एक मिनट, वक्त हर नूर को बेनूर कर देता है, वक्त हर नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन रहना चाहता है अपने सरकार से दूर, आने वाली सरकार से दूर? ये समय ऐसा आ जाएगा हमारे सभी भाइयों को, बहुजन समाज को मजबूर कर देता है, मजबूर। महाराज 17 में भी तो आप लाए थे योगी जी को, हम लोग कभी नहीं दिए। उन्होंने एक मिनट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ी के वजह से हमारे जितने भी क्या कहते हैं बहुजन समुदाय के जितने भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, सब ने हाथी पर अपना बहुमत दिया था, लेकिन ईवीएम के गड़बड़ी की वजह से सारा मतदान कमल के फूल पर पड़ा है। वो तो भी कह रहे हैं कि हमारे दम हो तो फिर से करा ले चुनाव। इस बार बहन कुमारी मायावती को आना है, बैलेट पेपर से होता है, साफ हो जाएंगे। बैलेट पेपर से हो जाए तो योगी मोदी साफ हो जाएंगे, यूपी का इंडिया साफ हो जाएंगे। और क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल। योगी जी कह रहे हैं अब की बार हमारे साथ सबको, दलित भी हमारे साथ है, घरों में खाना खा। मीडिया इधर सुनिए, बेटी के साथ रेप हो रहा है, रुकिए बता रहा हूँ। उन्नाव कांड देख लीजिए, मीडिया कभी बहुजन को दिखाती है, कभी नहीं दिखाई। कितना विकास किया है, गरीब मर रहे हैं, 5 किलो गल्ला से गरीब जी जाएंगे, उनका भविष्य उसी में उज्जवल होगा। बेरोजगार है, विकलांग बना दिए हैं, रोड से विकास हो जाएगा, पूरे गरीब जनता जाएंगे रोड पे बैठे रहेंगे, उनका आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। ख्याल तो रख रहे हैं ना हम सबका, सबको राशन भी दे रहे हैं, भत्ता भी दे रहे हैं, किसानों की आय भी दुगनी कर रहे हैं। किसका, जिसके लखीमपुर खीरी वाला कांड उठाओ भाई, पत्थर का नमक जो बोल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, छाटा नमक दे रहे हैं, आयोडीन है, आयोडीन है, वो जहर दे रहे हैं, नमक भी नहीं, बालू है, उसका नमक घोल के देखो तो पानी में डालो उधर जाएगा। कितना विकास किया है बताइए, कह रहे हमसे ज्यादा विकास करेंगे किसी ने। बहन जी के अलावा कोई यूपी में विकास कर ही नहीं सकता। अरे तो बहन जी चली क्यों गई थी फिर? ये तो ईवीएम की बेमानी है योगी मोदी जी, नहीं तो क्या, जब 12 में गई थी बहन जी 11 में, लेकिन उसके बाद तो अखिलेश आ गए थे, अखिलेश ने करी थी बेमानी। अखिलेश वो तो गुंडागर्दी है ना, अखिलेश तो गुंडा है एकदम से। अखिलेश सर कह रहे हैं कि पूरे यूपी में गुंडा प्रसाद होगा, दंगा प्रसाद। हमारे जितने युवा प्रत्याशी है देख लीजिए, सब बेरोजगार है, कितने रोजगार दिए हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं, हमारा कहना है कि जो सरकार मोदी आई, इसने जो मुद्दा उठाया इसने पूरा गरीब को गांव मार दिया और गरीब को सड़क पे आ गए। अब बताइए, अब हम शहर बनवा दे, उसको बनवा दे, ये सब बनवाने से क्या गरीब ऊंचे हो जाएंगे? अरे कम कम गरीब का ख्याल रखिए, जो कि गरीब अन्न रोटी खा सके। कोई भी मुद्दा, अभी बैंक वाला पैसा बालू सब बंद कर दियो, यहाँ लेबर चौराहे जाते हैं तो सारे रात सोते ही रहते हैं, भूखे मर जाते हैं, उनको दाल रोटी नहीं मिलता। कहते मोदी बहुत कर रहा, क्या कर रहा? अरे हम रोशनी दे के थोड़े गुजारा करेंगे, अरे हमको खाना मिलना चाहिए, भोजन। योगी कह रहे हैं कि अगर बसपा या सपा आगे लूट खसोट मचा देंगे। अरे यार ये भाजपा ने सपा ने तो महाराज गांव मार के किनारे कर दिए,
अब हम लोग क्या करें। देखिए भाजपा की सरकार जुमलेबाजी सरकार है, ये हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि यहाँ SC ST OBC यहाँ सब कोई खतरे में है। ये पूरा मनुस्मृति लाना चाहते हैं, हो गया। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ ठेकेदारों ने लूटा है। हमारे यहाँ प्रयागराज में विकास के नाम पे सिर्फ ऑन पेपर काम हुआ है, और जो वास्तव में मूलभूत आवश्यकताएं थी उस पर एकदम जीरो बैलेंस की काम है। और प्रयागराज मंडल से बहन जी 12 के 12 सीटों पे पूरा का पूरा हाथी एकदम परचम लहराएगा। बाबा कह रहे हैं कि जब कुंभ में लोग आते थे तो बड़ी परेशानी होती थी, अब दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। अरे रोड कुंभ के लिए ये बताइए, राम मंदिर बनवा दिए, कितना विकास होगा? राम मंदिर से विकास होगा, कहाँ गरीबों का पेट भरेगा? वो घंटा बजाने से लाने हम लोग का विकास होगा? अरे मंदिर के सामने जो दुकान लगेंगे, दिया मिठाई, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? बताइए, मोदी जी बोले काला धन लाएंगे, 15 लाख के झांसे में आए थे, 15 लाख का चुना चूतिया बना दिया योगी जी मोदी जी। नीरव मोदी कहाँ गए? नीरव मोदी कहाँ गए? हिसाब दीजिए जनता के पैसे का हिसाब दीजिए। एक चीज और बताएं, जो मुद्दा बहुजन समाज पार्टी जो मुद्दा लेकर के आज समाज के बीच में काम कर रही है, वो सबसे बड़ी महंगाई है और बेरोजगारी है, और इस मुद्दे से सबसे ज्यादा प्रभावित है इसलिए कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला अगर नेता मिलेगा तो वो सिर्फ BJP में आपको मिलेगा। मैं नाम ले लूं, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ, जो छोटा नेता है वो झूठा भूत, सारा झूठ। ये BJP का नेता जितने हैं सर वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। देखिए ओपिनियन, रुक जाइए, ओपिनियन पोल आप बता रहे हैं, ओपिनियन पोल पे आप बात कर रहे हैं, ओपिनियन पोल पे ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पूरे मीडिया वाले दिखा रहे थे कि जीत गई, वहां हार के चली आई। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, दिल्ली में ओपिनियन पोल एकदम खुल के था कि BJP जीत गई, वहां भी देखिए कि हार के चली गई। अब ये जो समाज है वो सब कुछ जानकार हो चुका है, और ये बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दा को लेकर के हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। बहन मायावती जिंदाबाद, जय जी। देखिए गरीब आदमी के लिए गैस सिलेंडर 6,600 रुपए में था, आज 1,000 रुपए में। सबसे कष्ट आदमी को गैस है, गरीब आदमी गैस नहीं भरवा पा रहा। पेट्रोल का दाम 60 रुपए 65 रुपए था, 100 रुपए में हो गया। सबसे कष्ट गरीब आदमी के लिए पेट्रोल है, गैस है। हाँ, सबसे ये कहा जा रहा था कि 600 रुपए में गैस मिलेगी, आपको सब्सिडी मिलेगी। सबसे कष्ट हुआ कि 1,000 रुपए में गैस सिलेंडर आज मिलता है। अरे भैया, 1,000 रुपए काटते हैं तो हम लोग को राशन उसमें से दे देते हैं, और जब 100 रुपए का पेट्रोल बेचते थे तो 100 रुपए में देते हैं, तो उसका पैसा बचा के हम लोग को राशन दे दिया जाता है। चूतिया बनाने का बहुत बढ़िया फंडा है इनका। रोड चौड़ा करके अरे भाई, रोड तो बिल्कुल रद्दी, हम तो ऐसी रोड कभी देखे नहीं, इतनी रद्दी रोड इसी सरकार में हुई है। रोड बना दी चारों तरफ, रोड सबसे रद्दी, रोडियम जैक रहा बाप। अच्छा कह रहे हैं कि महंगाई बहुत होगी, राशन तो फ्री मिल रहा है, क्या दिक्कत है? इसलिए महंगा मिल रहा है ना, पेट्रोल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, GST OC के साथ 200 का राशन दे के 100 रुपए में वापस में सामान बेच रहे हैं। अब सब जो चूतिया बना रहे हैं सबको, घोड़ा वाला चने बेच रहे हैं, पत्थर वाला नमक दे रहे हैं। सिलेंडर तो फ्री दिया था ना, अरे 200 का राशन में घर भर चल जाएगा, घर टैक्स महंगा, बिजली बिल महंगा, हर चीज तो महंगाई है, बेरोजगारी कितना शरण पे आ गई है। बिजली आधी कर दी, ये कुछ ना करेंगे, ये सब 15 लाख
15 लाख के जुमला दिए, बिजली वाला भी जुमला है, समझ लीजिए। मायावती को सबसे पीछे दिखा रहे हैं मीडिया। अब क्या कह रहा प्रयागराज, ये बताइए। अब प्रयागराज बता रहा है कि मायावती जीत रही है हर जगह सीट से। बिल्कुल है, हर जगह से जीत रही है। जीत रही है। 5 रुपये के राशन दही के 100 रुपये झोला छपुआ दी। मोदी जी की रैली में जो गए थे लोग, औरतें लोग 1000 रुपये के बोले थे, यह सब फ्री में आए हैं। मायावती को चलने वाले बिना पैसे वाले सब है, गरीब आदमी आए मायावती के साथ। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।